सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बुखारी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को टाइम देने के लिए। ये जो अपीलें थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है, दौरान इद्दत निकाह का ये केस है, सजाओं को बरकरार रखा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? मेरे ख्याल से ये इस बात से बहुत अहम फैसला है कि इसके बारे में तो ये की जा रही थी कि शायद एक ऐसा फैसला आएगा जिसके नतीजे में मानी पीटीआई और उनकी बेगम साहबा जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगी। एक तरह से किसी कैफियत थी, क्योंकि बाकी की तमाम जो सजाएं उनको हो चुकी हैं वो या तो सजा खत्म कर दी गई है, वो बरी हो गए हैं, और या मुअत्तल कर दी गई है। तो ये वाहद केस था जिसके तहत वो आजकल अडियाला जेल में यानी रह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस जो पीटीआई के लोग हैं उनको अब उसी स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए जिस तरह उन्हें अदालतों से रिलीफ मिल रहा था। तो ये कहते थे कि ये इंसाफ की फतेह है, ये अदालतों की फतेह है, तो अब इस केस को भी उसी स्पिरिट में लेना चाहिए, इसलिए कि इसका जो फैसला है वो तफसीली फैसला तो अभी बाद में आएगा, लेकिन वक्ती तौर पर जो जज ने आज सुनाया वो ये कि अपीलें वो मुस्तरद कर रहे हैं, उसका आर्गूमेंट तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मानिका के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जो अदालतों के चक्कर काट रहे थे, चिल्ला रहे थे मेरे खानदान को तबाह कर दिया इन्होंने, इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस का गलत फायदा उठाया वगैरह वगैरह, तो इसकी एक तो जाती हैसियत में भी बहुत सीरियस एक्सपर्शन थी पाबानी पीटीआई पर, और सियासी एतबार से भी। तो अब एक नई सूरत हाल हमारे सामने है। अब इसके बाद एक और अपील जो है या अपीलें जो है वो पेंडिंग है सीनियर कोर्ट में अला अदलिया में, जिसमें इस सजा के फैसले को अंडू करने की बात जो है वो की जा रही है, यानी बरियत का मुतालबा किया जा रहा है। वहाँ क्या होता है ये तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो बहुत पुरुमीद थे जो पीटीआई के लीडर्स थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कह रहे थे कि जून में वो बाहर आ जाएंगे और फिर दुनिया बदल जाएगी, उनको मेरे ख्याल से बहुत मायूसी हुई है, और इसका इजहार अभी हम देखेंगे। तो जज साहब की तो मुझे लगता है कि खैर नहीं है, क्योंकि जो कुछ पीटीआई ने उनके साथ करना है वो हमें और आप मिलकर देखेंगे, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। जी ठीक है। तो सलीम बुखारी साहब, अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी क्योंकि सजा बरकरार रखी गई है, अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है, इनके पास अब क्या ऑप्शन बचता है? देखिए, ये इसको चैलेंज कर सकते हैं इस फैसले को? मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि एक तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो इस फैसले को चैलेंज करें आला अदलिया में, और दूसरा मैंने कहा कि इससे रिलेटेड जो है वो पिटीशन ऑलरेडी आला अदलिया के अंदर मौजूद है, जो इस पूरे मुकदमे बरियत के हवाले से है कि ये केस जाली है और उनको बरी कर दिया जाए, या तो वो उसके फैसले का इंतजार करेंगे और या एक नई अपील दायर करेंगे, क्योंकि ये तो तीरा है पीटीआई का, जो भी फैसला उनके मर्जी के खिलाफ आता है उसके खिलाफ वो अपील में जाते हैं। जी ठीक है। सलीम बुखारी साहब साथ रहिएगा, नवी चौधरी साहब सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नवी चौधरी साहब, ये जो फैसला सुना दिया गया है, सजाओं को बरकरार रखा गया है और अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है, सोचा ये जा रहा था, कहा यही जा रहा था कि ये जो अपीलें हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगी और बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे जेल से? इस केस में शवाहिद जो हैं वो बहुत वाज़ह हैं। उसके सईद साहब ने नकाब पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि मुझे धोखे में रखा गया था जी, इद्दत की मुदत पूरी नहीं हुई थी, उसके बाद दोबारा नकाब उड़ाया गया। जिस साफी ने पहली खबर दी उसी साफी ने दूसरी खबर दी, ऑथेंटिक मामला, जो गवाह थे ओम चौधरी साहब वो दोनों दफा मौजूद थे। किसी किस्म का इसमें कोई भाव नहीं था कि ये शरीयत की खिलाफ वर्जी की गई है और जो अल्लाह ताला ने हदूद मुतय्यन कर दी है उनकी तरीन पामाली की गई है। उसके बावजूद ये पीटीआई की जानब से यह तासुर किया गया और कुछ जो हमारा अदलिया का हिस्सा है कि शायद ये केस ही नहीं है, ये कोई मजाक है। मजाक तो इंसाफ का यहाँ बनाया जा रहा है, जैसे साइफर केस में बनाया गया। साइफर एक अपने कल देख ली कि वो एक इंटरेस्टिंग साजिश थी, इसमें फरीक बन के इन्होंने तमाशा किया और उसमें किस तरीके से कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहे थे, और इस्लामाबाद आयोग के मौजूद बेंच ने वो केस ही फारग कर दिया जिसमें बचाव की कोई सूरत नहीं थी। इस तरह जितने भी बाकी केसेज हैं, आप तोशाखाना केसेज देख लें, केसेज के अंदर केस मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि किस तरीके के साथ किसने किसको ब्राइब किया। साइफर केस की भी ऑडियो मौजूद थी, इसे हमने खेलना है, कैसे खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, टेम्परिंग करनी है, एक एक चीज मौजूद है। उसके बावजूद पीटीआई को रिलीफ मिलने का ये निकला कि आज तक पाकिस्तान अदम किसने काम का शिकार है, कभी
चीन के वजीर आते हैं तो वो कहते हैं ये हो रहा है, कभी और आता वो गिरा करता है। जैसे ही फिर हम यहाँ अपनी सफ़ेद दूस करने लगते हैं तो पता चलता है कि अमरीकी हवाने नुमाइंदगान जो है हमारे खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के इंतखाबात और जो होते आ रहे हैं सबको पता है किस तरीके से होते हैं और कब से होते आ रहे हैं, वहाँ अमरीकी हवाने नुमाइंदगान खड़ा हो गया। बेसिकली इस बात को हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि ये सब कुछ सी पैक के खिलाफ हो रहा है और उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के लोग भी बाकायदा किरदार अदा कर रहे हैं। उसी के नतीजे में हमने देखा कि पीटीआई को रिलीफ पे रिलीफ, यानी कि 9 मई के मामला की तरह से मजाक बनाया गया। किसी दूसरे मुल्क में ये होता तो सारी जिंदगी ये लोग जेलों में चढ़ते और इनको इंतहाई संगीन सजाएं सुनाई जाती। जहाँ इस तरह का मजाक बना हुआ है कि जो जाता है वो रिलीफ लेके आ जाता है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है और कोई जो है वो तकरीरें करता फिर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पर अलग गंद मचाया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो फैसला सहन जज साहब ने दिया है वो बिल्कुल इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है। हदूद अल्लाह की पामाली की गई, शरीयत की खिलाफवर्जी की गई, चीज़ें तय की गई थी, इसमें शवाद बिल्कुल खुले मौजूद है, कोई इसमें भान नहीं है। यानी कि आप देखेंगे इनके जो वकील हैं बहुत बड़े वकील हैं बज़ाहिर वो सलमान अकबर आजाद साहब, वो बजाय दलाइल देने के नकाह खां मुफ्ती सईद साहब को आलमोस्ट अब्यूज करते हैं केस की समाप्त के दौरान। जरा आप अंदाजा लगाएं, नहीं आप दलाइल दें अगर आपके पास कोई बात मौजूद है, दलाइल नहीं है, शोर शराबा है, मीडिया के जरिए धौंस है, सोशल मीडिया के जरिए धौंस है और मैं बादल साहब कहूँगा जुडिशरी के एक हिस्से की तरफ से धौंस है, उसने पूरे सिस्टम को खराब किया हुआ है। लेकिन आज के फैसले से ये चीज़ हमारे लिए वाजे होती है कि अदलिया के अंदर निचली सतह पर भी मतहत अदलिया में भी इंसाफ पर मबनी फैसले करने वाले लोग मौजूद हैं, जो किसी किस्म की किरदार किसी की कोई मुहिम हो, कोई दबाव की मुहिम हो या कोई से प्रेशर आए वो उसको प्रेशर को नहीं लेते। इस केस के बारे में आपको पता होगा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक मौजूद जज साहब ने ये डायरेक्शन दी थी कि इतने दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला करें। अब ये वही वाला मामला था जो नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि एक निगरान जज बैठा दिया गया और कह दिया गया किस तरीके से मामला कर रहा है, उसके बावजूद मतहत अलिया के जज ने इंसाफ पर हमने फैसला दिया जिस पर मैं उनको बतौर शहरी भी साझा तस्वीर पेश करता हूँ। देखें ये सिर्फ कानून की खिलाफवर्जी नहीं है, ये शरीयत की खिलाफवर्जी। बिल्कुल ऐसे है। तो नवीद चौधरी साहब, जैसा कि सलीम बुखारी साहब से भी सवाल किया गया कि अब जो है क्या ऑप्शन बचती है बानी पीटीआई बुशरा बीबी के पास, वैसे तो वो लोग हर बार फैसले को चैलेंज करते हैं, अपीलों को जब मुस्तरद किया जाता है उन्हें चैलेंज किया जाता है, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचती है? देखिए इसके बाद वो अपील में जाएंगे जी और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तो उनको इतना ज्यादा रिलीफ है। अच्छा। एक तरफ तो 6 जज साहबान ने खत लिख दिया, सातवें जज साहब भी उनके साथ ऑलमोस्ट शामिल ही है चले, और चीफ जस्टिस साहब के बारे में कहा जाता है कि वो अभी तक न्यूट्रल है। एक तरफ तो खत लिख रहे हैं कि पीटीआई को रिलीफ देने पर हमें दबाव में लाया जा रहा है और दूसरी जानब ये आलम है कि जिसका चाहते हैं नाम बगैर पूछे बगैर कुछ मामला किए पूरी सेल से निकाल देते हैं, बाकायदा वार्निंग दी जाती है। अगर कोई बंदा ये कह दे कि जनाब फलां जज साहब का कंडक्ट ठीक नहीं है उसको बुला के शो का उसको इन्हें अदालत कर दिया जा रहा है, अजीबो गरीब कार्रवाई हो रही है। और अपनी हालत यह है कि आज जब वकला की हड़ताल के बारे में एक केस पेश हुआ एक जज साहब के पास जो उन्हीं में से बहुत करता करते हैं 6 जजों में से, तो उस समाप्त के दौरान वकला ने तंग आकर कहा अगर आपको यही मसला है तो फिर आप हाईकोर्ट बार के सबको गिरफ्तार कर लें हम देख लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो हमारे भी लीडर हैं और आपके भी लीडर हैं ये कैसे हो सकता है, ये टोटल मामला इनका।